नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। सोमवार को उच्च न्यायालय तथा परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार आरटीओ अधिकारी श्रीमती निशा चौहान के नेतृत्व में परिवहन जांच दल द्वारा नर्मदापुरम शहर में छोटे तथा बड़े वाहनों में जो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, ऐसे वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। बताते चले कि पूर्व में विभिन्न समाचारों तथा मार्गों पर विभाग द्वारा वाहनों को रोककर HSRP की जानकारी दी गई थी। प्रारंभ में SHRP नंबर प्लेट की तय तारीख 15 दिसंबर की गई थी, जिसे बाद में 15 जनवरी कर दी गई थी। तय तारीख खत्म होने के बाद अब जिन वाहनों में नंबर प्लेट या नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया हुआ नहीं पाया जाएगा, ऐसे वाहनों पर RTO विभाग द्वारा प्रारंभ में नंबर प्लेट की अनिवार्यता को जानकारी दी जा रही है तथा चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। ऐसे वाहन जिन पर आने वाले समय में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं पाई जाएगी, उन वाहनों पर अधिक कड़ी कार्यवाही करते हुए जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। RTO जांच दल द्वारा आज नर्मदापुरम के भोपाल तिराहे पर स्वयं RTO अधिकारी के द्वारा वाहनों को रोककर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्यता होने वाले फायदे तथा आवेदन करने की विधि वाहन चालकों को बताई गई तथा 20 वाहनों की जाँच में 4 वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट तथा ऑनलाइन आवेदन नहीं पाए जाने पर 2000 शमन शुल्क वसूला गया। RTO अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि बिना HSRP नंबर प्लेट लगे वाहनों पर RTO तथा यातायात विभाग द्वारा आगामी दिनों में अधिक कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए सभी वाहन चालक असुविधा से बचने के लिए शीघ्र ही नजदीकी वाहन शोरूम से ऑनलाइन के माध्यम से अपने सभी वाहनों की HSRP नंबर प्लेट लगवा लें।